नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मैं डिटेल्स में दूंगा। क्योंकि अमेजन के ऊपर जो रिकमेंड आया है वो घर बैठे आप कर सकते हैं, और इस जॉब के लिए आपका जो डिटेल्स है, इस जॉब के लिए आपका जो क्राइटेरिया दिया गया है, वो सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस जॉब के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो जॉब का जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया से आपको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है, और कुछ अलग अलग स्टेट में आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो कुछ देखा जाए तो एपी मतलब आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ दिल्ली में भी है, कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इस कुछ इस तरीके से जगह पे आपको ऑफर जॉब के लिए ऑफर किया जा रहा है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के ऊपर क्लिक मत सॉरी अप्लाई करिए। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, अगर आप चाहते हैं किसी भी स्टेट के ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के जो प्रोसीडर है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आप जॉब का डेजिग्नेशन देखिए, टेक्निकल राइटर। तो बहुत दिनों के बाद अमेजन ने एक अलग लेवल का जॉब अप्लाई मतलब जॉब अप्लाई करने के लिए मौका दिया जा रहा है, वो है टेक्निकल राइटर। टेक्निकल राइटर के ऊपर जो जॉब है उसके लिए आपको एज लिमिट 18 से 38 तक दिया गया है। तो 18 से 38 तक आपको एज लिमिट दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 18 है, और मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 है, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 38 है। अभी सबसे मजेदार बात है, इस जॉब को पाने के लिए आपको मेरिट बेसिस में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। और यहाँ पे जो सैलरी पैकेज आपको 2 लाख से 3 लाख तक आपको सैलरी पैकेज पर मंथ मिलने वाला है। एप्लीकेशन का जो फीस है कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यही है कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आपको बैचलर डिग्री, और आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री आप इंग्लिश में, और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, और बैचलर डिग्री भी आपके पास है, तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका मास्टर डिग्री है तो और भी अच्छी बात है, और मिनिमम आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल राइटिंग, एडिटर मतलब एडिटिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर, कंटेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर आपका नॉलेज होना चाहिए, और कुछ सॉफ्टवेयर बेसिस में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको जरूर इसमें जॉब ऑफर किया जा रहा है इस तरीके से कैटेगरीज में। 2 साल के आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, और ये भी बताया जा रहा है कि आपको 2 से 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, और वो भी एक मतलब HTML और XML, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो एक्चुअली जॉब का डिटेल्स क्या है मैं एक बार आपको बता दूं। देखिए कंटेंट राइटिंग क्या होता है, मान के चलिए आप कोई भी अमेजन का प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, मैं एक बार आपको प्रोडक्ट दिखाई देता हूँ। देखिए कोई भी मैं अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं कीबोर्ड खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए देखिए इस तरीके से कुछ कॉन्टेंट आपको लिखना पड़ेगा कीबोर्ड के बारे में। तो ये कंटेंट का नॉलेज आपको होना चाहिए, किस तरीके से लिखने से कस्टमर इसके ऊपर अच्छा एक मतलब व्यू आएगा और इसको परचेज भी करेंगे, तो इसी को बोला जाता है कंटेंट राइटिंग, और इसी के ऊपर आपको पोस्ट दिया गया है। तो इसलिए सारे एक्सपीरियंस आपको मांगा जा रहा है, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि इसको अप्लाई करने के जो लिंक है वो मैंने तो आपको दे चुका हूँ, उस लिंक में जाकर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स में पहले आपको जो डिस्कशन किया हो वही डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सारे डिटेल्स को देखने के बाद आपको करना क्या है, अप्लाई बटन में क्लिक। तो अप्लाई कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे अप्लाई बटन में क्लिक करना तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो सब कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। तो ये तो जॉब का डिटेल्स है। तो आई होप जानकारी आपको अच्छा मिले, तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, इस तरीके से जॉब पाने के लिए आपको कंप्यूटर का जो स्किल का जरूरत होते हैं, जैसे आप कंटेंट राइटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का स्किल का जरूरत होगा। तो इसके मैं नया सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ कंप्यूटर स्किल का वीडियोस, आप जाकर इस सीरीज को देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में है। तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको सारे डिटेल्स दिया गया है, तो जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।